नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में तमाम तरह की चुनावों की बयार चलती नजर आ रही है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, कई राज्यों में हो चुके हैं और कई में अभी बाकी हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के सबसे बड़े राज्य आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में चुनाव होंगे, 4 मई, 11 मई और 13 मई को इसका परिणाम आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि निकाय चुनाव, जिसको 24 के पहले का उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें किस पार्टी ने बाजी मारी है। पिछली बार 16 नगर निगम, इस बार 17 नगर निगम। पिछली बार अगर हम बात करें तो बीजेपी को 14 नगर निगमों में जीत हासिल हुई थी और 2 पर BSP जीत कराई थी। तो इस बार क्या स्थिति बनेगी, कौन यहाँ जीत हासिल करेगा और कौन यहाँ पर हार का सामना करेगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर चूंकि निकाय चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, इस चुनाव के माध्यम से कहते ना, शहर की सरकार तय होती है, आपके वार्ड की सरकार तय होती है, आपकी गली की सरकार तय होती है। मैंने गली और वार्ड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद होते हैं वो गली के सरकार ही कहलाते हैं, प्रतिनिधि जनता के होते हैं, पर तरीके से हर काम का जिम्मा उनके हाथ होता है, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे उद्यान की बात हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे पानी की बात हो। खैर, यहाँ पर सरकार तो बनेगी, शहर की सरकार, और पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि इस बार चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। भाई हो भी क्यों ना, अगर केंद्र की सरकार को पाना है, सत्ता को पाना है, तो रास्ता उत्तर प्रदेश के ही रास्ते होकर जाता है और जाना भी चाहिए। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है। तमाम समीकरण उत्तर प्रदेश से बनते हैं और उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने देश को तमाम बड़े बड़े नाम दिए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। खैर, इसके अलावा महत्वपूर्ण चर्चा विषय, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। क्यों मिला? क्योंकि जो अर्हता होते वो अर्हता को पूर्ण किया और पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा था कि जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा और यहाँ पर दर्जा मिल गया। कारण मेहनत, कारण रणनीति और कारण उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के बीच जाकर संघर्ष करना। वो संघर्ष हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, जहाँ पर तमाम तरह की बातें कही गई। अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें सपा, जो कई बार देखा गया कई मौकों पर केवल ट्वीट की राजनीति करती नजर आई, तो आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों पर जनता के बीच जाकर संघर्ष करती नजर आई। भले ही विधानसभा चुनाव में कोई परिणाम नहीं मिला, पर अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो 17 में ही आम आदमी पार्टी को खासा लाभ मिला था। इस बार 23 का चुनाव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चुनाव तो होना चाहिए थे नवंबर में, पर चूंकि यहाँ पर अधिसूचना जारी होने के बाद आरक्षण संबंधी जो याचिका दाखिल हुई, उसके बाद चुनाव टल गया। उसके बाद टलते टलते उम्मीद की जा रही थी कि शायद चुनाव जून में जाएगा, पर यहाँ पर चुनाव आयोग ने इस चुनाव की घोषणा कर दी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो लगातार कहती चली आ रही कि इस बार हम कोई कुर कसर नहीं छोड़ेंगे और मेहनत के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, पर इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लगातार कवायदों का जोर जारी है। कवायद, आगे जाने की कवायद, टिकट घोषित करने की कवायद, जनता के बीच पहुंचने की कवायद, प्रचार की और कवायद जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। समय कम है, रणनीति ज्यादा है और मेहनत हद से ज्यादा। पर चूंकि यहाँ चुनाव है और हद से ज्यादा मेहनत करने के लिए सभी लोग तैयार भी बैठे हैं और होना भी चाहिए। निकाय चुनाव में अगर आपने बाजी जीत ली, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको आगामी लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव 24 के लिए मिलता नजर आएगा। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात और देखने वाली यह है कि अगर हमको इस चुनाव में बेहतर करना है तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा लगातार कहती चली आ रही थी कि इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे और उसकी शुरुआत भी हुई है और 5 जगह पर सुभाषपा ने अपने मेयर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। उसमें से एक गाजियाबाद खास है, जहां पर उन्होंने अपने प्रवक्ता दयाराम भार्गव को मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चर्चा विषय की बात यह भी है कि अगर हम यहाँ पर चर्चाएं बड़ी कर रहे हैं, मेहनत की बात कर रहे हैं, तो जनता के मुद्दों को उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल सभी पार्टियां इन मुद्दों से अलग अपने आप को निकाय चुनाव में व्यस्त किए हुए हैं। RLD के साथ भी घटनाक्रम अलग रहा। कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका दर्जा यहाँ छिन जाएगा,
पर उसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह की बातें करते हुए स्पष्ट किया गया कि चुनाव हैंडपंप के निशान चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आम आदमी पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो स्पष्ट करती है कि इस बार का निकाय चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस तरह यहाँ पर महिलाओं को प्रमुखता दी गई है, पर एक बात और समझ में आती है कि अगर महिलाओं को आपने प्रत्याशी बनाया है तो हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर महिला प्रत्याशी जीत कर भी आती है, पर जो काम है वो उनके पति देवर या जो भाई जो भी होता है वही करता है पार्षद प्रतिनिधि के रूप में। यानी महिलाओं को टिकट तो मिलता है, महिलाएं सदन की शोभा भी बनती हैं, पर अगर काम देखा जाए तो वहीं पर उनका परिवार बार में जो उनके होते हैं, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, वही वो काम को अंजाम देते नजर आते हैं। इसके साथ साथ परिवार बार का चेहरा भी यहाँ पर नजर आपको देखने मिलेगा कि अगर कोई सिटिंग कैंडिडेट है तो पार्टियों ने वहाँ पर सिटिंग कैंडिडेट अगर महिला होती है या कोई और वर्ग होता है तो उसी परिवार के लोगों को टिकट देने की व्यवस्था बनती नजर आई। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आंकड़े बोलते हैं कि टिकट उन्हीं को मिलता है। खैर, यहाँ निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में टिकट किसको मिलता है, कौन लगातार इन सीटों पर विराजमान रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतिहास दोनों बार की सभासदी का है। मैं राजधानी लखनऊ की अगर बात करूँ तो भाई बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण यह है कि इस बार मेयर प्रत्याशी किसको बनाती है। तमाम तरह के नाम चर्चा में हैं, तो सपा के भी तमाम तरह के नाम इस समय गूंज रहे हैं जो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जाके वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि टिकट हमको चाहिए। टिकट किसको मिलेगा, संग्राम किसका होगा, बाजी किसको मिलेगी, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर इस निकाय चुनाव में आपका प्रदर्शन खराब रहता है तो उसका नुकसान आपको लोकसभा चुनाव के बीच में देखना पड़ेगा। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बिगुल बजने के बाद तैयारी किस तरह की है। तैयारी सबकी है, तैयारी में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई पार्टी की तैयारी नहीं है, क्योंकि चुनाव होने वाला है ये सबको जानकारी थी। तो लोकतंत्र का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है और लोकतंत्र पर्व मनाया जाएगा 4 मई, 11 मई, और परिणाम लोकतंत्र के पर्व के आएंगे वो है 13 मई, और स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार जनता का जनाधार किसको मिला है, जनता ने इस बार अपना प्रतिनिधि किसको चुना है और कौन सी पार्टी है जिस पर जनता ने इस बार विश्वास किया है। क्योंकि अगर परंपरा की बात करें तो 12 में परंपरा दूसरी थी, 17 में दूसरी, और 19 और 22 और अब चुनाव है 23। महत्वपूर्ण चर्चा विषय और कुछ ही समय में आपसे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से उनके प्रवक्ता सपा रोशन अपनी बात रखेंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालो से आरएफ मेमूर भाई अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी अपनी बात रखेंगे, और आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो सपा रोशन से रहेगा। सपा भाई, चुनाव आ गए हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर गए मेरे ख्याल से, समय बहुत कम दिया है, क्योंकि यहाँ पर चर्चाएं शायद थी कि मई बीच में भी जा सकता है। खैर, मैं एक ही बात कहूंगा इस मुद्दे पर, देर आए दुरुस्त आए, चुनाव उठ गया है, बिल्कुल बच गया है, कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तैयारी सबकी पूरी है, क्या राय आपकी? सपार भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। हाँ, इसके लिए तकी भाई को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, मेरा तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, मैंने बधाई दे दे भाई। अच्छा 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 अच्छा, ये तकलीफ क्यों होगी, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, बोलिए। और रही बात चुनाव होना ही था, आज नहीं होना था तो कल होना था, चुनाव तो होना ही था और सभी को चुनाव के जो है जनता के बीच में जाना है। और थोड़ा भाई महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि जनता के बीच में, जनता के मुद्दों के साथ में आदमी जाता है। अच्छा। जो सत्ता में रहती है पार्टी उसके विरोध में लोग आते ही आते हैं। अच्छा। लेकिन बात यह है कि जब 22 का चुनाव था तब भी मीडिया ने यही कहा कि ये लोकसभा का चुनाव तय करेगा। अच्छा। तो आपने देखा कि 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विजय पता कर लेना है, और जो ये चुनाव है नगर निगम का, जो आपने कहा। अच्छा। कि गली और मोहल्ले का चुनाव, बिल्कुल है, वाकई में ये गली और मोहल्ले का चुनाव है जी। और जो है गरीब जनता के बीच का चुनाव, यही जनता तय करती है कि विधानसभा और लोकसभा में कौन जाएगा। अच्छा। तो मैं इस बात को आपके चैनल से बहुत मजबूती के साथ कहना चाहूंगा। अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और
ये कहना पड़ेगा। अरे एक जोड़ जोड़ गया, भूल गया, अब सबका विश्वास भी है जी। हाँ नहीं विश्वास तो हाँ देखिए विश्वास जो मैं की जो याद दिला बात दूँ है, आपको सबका जी। साथ सबका विकास हाँ सबका विश्वास और सबका सहयोग। अच्छा सहयोग आपने जोड़ दिया, मैं चलो और ठीक है। जोड़े दे रहा हूँ अच्छा सबका जोड़ दीजिए, सहयोग हाँ जोड़ दीजिए। जी, और मैं जोड़े दे रहा हूँ सबका सहयोग। हाँ तो ठीक है आप देखिए जो भी केंद्र और प्रदेश की सरकार, यानी जो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, अच्छा। जो भी योजनाएं रही वो जनता के नीचे स्तर तक पहुंची अच्छा अच्छा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। अच्छा 17 में मिला, अच्छा मुझे लगा 14 में, जनता को मिला। 14 में, 14 में मिला, 14 17 में मिला, उसके अच्छा बाद जो है 19 में मिला, फिर 22 में मिला, और अब हम नगर निगम के चुनाव में हैं। तो अच्छा आप, मैं अभी तो मैं क्या कहना चाहूंगा, अभी मैं कुछ कहूंगा तो हमारे विपक्षी कहेंगे कि अपने मुंह अरे मिला आपको मिट्ठू पेरा टंड बना। बोली, आपको सुनने के लिए बैठे भी बच्ची सुनी थी तो रहे सुनने आप बोल लीजिए बोल के लीजिए। तो सुनने के लिए मैं ये दावे से कहता हूं कि इस चुनाव में आप देखेंगे कि हाँ जो नगर निगम, जो हमारे जो पिछली बार हमको जो 14 सीटें मिली थी नगर निगम हाँ में, हाँ जी बोलिए सवाल भाई। और जो सभासद हैं, आप हाँ देखेंगे कि किस तरह जो ये अपने आप को कथाकथित जो विरोधी अपने आप को कहते हैं, विपक्षी कहते हैं, इस तरह इनका ऐसा सूपड़ा साफ करेगी जनता कि ये देखते रह जाएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा जी ठीक है। अब ये मैं बहुत ही क्या कहना चाहूंगा कि उसके साथ मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी की जो योजनाएं हैं हाँ जो नीचे तक पहुंची, उसका लाभ हमको इस चुनाव में मिलने वाला है अच्छा और जनता हमारे साथ है, ये 13 तारीख का रिजल्ट स्पष्ट कर देगा। अच्छा ठीक है ठीक है। देवी पांडे 13 तारीख का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में जा रहा है, सपा भाई ने स्पष्ट कर दिया है। मैं तो बोल रहा था भविष्य घर में नहीं थे, पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य घर में नहीं रही है और स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी को लाभ मिलेगा। और चूंकि बीजेपी की सारी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, जनता का जनाधार उनके साथ है, कैसे देखते हैं भाई चुनौती आपके लिए बड़ी है जी। देखिए गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच को जी करते हुए मैं तकी भाई को विशेष धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है। चलिए और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको लग अगर ये जिस तरीके से बता रहे थे हमारे भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी, हाँ अगर चुनाव के रिजल्ट पहले से घोषित हैं तो मुझे लगता है फिर लोकसभा की तैयारी कीजिए। मजबूती बता रहा है, घोषित थोड़ी कोई कहा है, उन्होंने उन्होंने एग्जिट पोल बताया है। हाँ एग्जिट पोल, एग्जिट पोल जी। अरे यार पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, इनके एग्जिट पोल तो हमेशा ऐसे ही आते हैं कि पूरी की पूरी सीटें इनकी जा रही होती हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ ले जाता है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए अच्छी बात है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ये तो मानेंगे ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद यूपीएसआई स्कैम के जो अभ्यर्थी थे जो उनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, अच्छा जो घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, वो अभ्यर्थी तो इनको कम से कम वोट नहीं देंगे। 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती जो इन्होंने आते ही रद्द कर दी थी, अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो वोट कम से कम इनको मिलेंगे। तो इतने आंकड़ों को तो माइनस ही कर दीजिए, 50% जो सरकारी शिक्षकों की सरकारी भर्तियां जिसके पर्चे लीक हुए हैं सरकार में, भाई निकाय चुनाव पे उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। गली मोहल्ले का चुनाव है, गली मोहल्ले मोहल्ले का एक एक परिवार का अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चुनाव में चुनाव से दूर रह करके परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को कलंकित करने का, गर्त में ले जाने का काम इस सरकार ने किया है, अपनी अपरिपक्वता के लिए, अपनी अदूरदर्शी नेतृत्व के उदासीनता के कारण, तो मुझे लगता है कि युवा और खास करके अभ्यर्थी वर्ग तो इस चुनाव में इनको वोट देने से रहा, पहली चीज। दूसरी बात पे आते हैं जी, भाई मैं तो ये पूछूंगा कि क्या इस बार भी ये चीरहरण करके चुनाव जीतेंगे? पिछली बार जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में काला अध्याय इन्होंने निकाय चुनाव में लिखा था, अच्छा भाई विपक्षी दलों की महिला कार्यकर्ताओं का चीरहरण जिस तरीके से इन्होंने कराया था, अच्छा बिल्कुल ये बात सत्य है कि धार्मिक ग्रंथ में महाभारत से बड़े प्रेरित है ये लोग। अच्छा बात करते जरूर है रामचरितमानस की, लेकिन चरित्र नाम का शब्द इनके अंदर दिखाई नहीं देता। अच्छा और उससे भी बड़ी बात क्या है, हम तो सवाल ये उठाएंगे कि क्या इस बार इलेक्शन कमीशन हमारे विपक्षियों द्वारा किसी भी दी हुई शिकायत का तत्काल संज्ञान लेगा या उदासीनता दिखाएगा जैसे पूर्ववर्ती में उसने किया। अच्छा भाई हम तो सवाल उठाएंगे क्योंकि हमें अपनी महिला कार्यकर्ताओं का विशेष सम्मान रखना होगा। अच्छा तो चुनाव आयोग उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश दे दे। अच्छा अच्छा और उससे भी बड़ी बात करता हूँ कि देखिए इनकी स्थिति बड़ी स्पष्ट थी, अगर सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को इनको फटकार नहीं लगाई होती या वो ट्रिपल टेस्ट वाला मामला नहीं आया होता, तो यकीन मानिए ये तो ओबीसी आरक्षण खा गए थे पूरी तरीके से। अच्छा। पिछले वर्ग के आरक्षण को खाने का प्रयास कर रहे थे, ये जिस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ कि निकाय चुनावों पे उसकी बराबर नजर थी। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाते ही उसने उड़ा के रख दिया भाजपा की नीतियों को। अच्छा तो मुझे लगता है उससे भी सीखने की आवश्यकता है, पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा इन्होंने करने का प्रयास किया था, जो थोपने का प्रयास किया था,
अच्छा भाई ये सवाल तो पिछड़ा वर्ग जवाब दे इसका कि भाई अगर वो इनकी नीतियों से सहमत है जो ये कह रहे थे जमीनी स्तर तक इनकी नीतियां गई हैं अच्छा। तो उन जमीनी स्तर की नीतियों को अगर जनता स्वीकार करती है अच्छा। तो भाई उत्तर प्रदेश राम भरोसे है अच्छा। और उससे बड़ी बात मैं कहता हूँ ये अंतोगत्वा बहुत अच्छी बात है, प्रचंड अहंकार होना चाहिए जीत का। अब ये कहेंगे योगी जी के राज में, योगी जी के राज में तो बहुत कुछ हो गया, प्रयागराज बम से दहल गया, धुआं धुआं हो गया, लेकिन देखिए असली शूटर पकड़ में नहीं आया अभी तक। कानून व्यवस्था के मसले पे जमीनी स्तर तक चीजें फेल है क्योंकि कार्यकारी डीजीपी है भाई, स्थायी डीजीपी न देने के पीछे मैंने आपको पूर्ववर्ती डिबेट में बता दिया था मंशा साफ है और वो कहीं ना कहीं देखिएगा बहुत जल्दी सामने भी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि स्थायी डीजीपी नहीं है, तीन मुख्यमंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री में स्वघोषित असली मुख्यमंत्री कौन है ये पता नहीं है उत्तर प्रदेश को। भाई मैं तो हमेशा पूछता हूँ उत्तर प्रदेश का वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कमीशन आयोग के साथ मिलकर के पूरी तरह से इस निकाय चुनाव को संचालित करेगी। अच्छा ये भी एक सवाल उठेगा क्योंकि एक स्वघोषित मुख्यमंत्री जो दिल्ली तक दौड़ते हैं फिर उत्तर प्रदेश आते स्टूल पे बिठा दिए जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए लेकिन वो कवायद ही रह जाती है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार छापे मारते हैं लेकिन अधिकारी उनकी सुनते नहीं है और उनके छापे मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उससे ही रफ्तार से दुगनी रफ्तार से और ज्यादा भ्रष्टाचार सामने आते हैं। सुन लीजिए और एक सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री जो फायर ब्रांड तो कहे जाते हैं लेकिन फुस हो जाते हैं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं, लोग भवन में बैठ के निर्देश तो देते हैं अधिकारी जमीनी स्तर पे मानते नहीं, बोले तो उदाहरण भी दे देता हूँ अच्छा। ताकि आप कल को ये ना कहें कि मैंने सिर्फ आरोप लगाए अच्छा। भाई 21 और 22 के पुलिस स्मृति दिवस पे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पुलिस कर्मियों के लिए विशेष भत्तों की घोषणा की थी जिसमें एक सिम भत्ता था और एक बाइक भत्ता था और मुझे लगता है कि लगभग अधिकतर 75 जिलों में से उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में ये भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं तो अधिकारी तो सुनते नहीं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की गंभीरता का इसी से परिणाम सामने है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो देखिए वास्तव में देखा जाए तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा कि इस बार कम से कम घटनाओं का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष चुनाव करवाएं और सभी राजनीतिक दलों को मैं निष्पक्ष चुनाव नहीं होता क्या कहता हूं कन्नौज में खतौनी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि चीरहरण आपने किस चुनाव में देखा, चीरहरण आपने किस चुनाव में देखा? अच्छा अच्छा महिला कार्यकर्ताओं की साड़ियां खींची जा रही थी सड़क पे, चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया था जरा आप ही बता दीजिए। चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो विपक्ष हूँ, मीडिया आप है, आपने तो कवर किया होगा ना? हम तो सब कवर किए हैं तो मैं तो पूछ रहा हूँ बताइए ना क्या संज्ञान लिया था। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ क्या संज्ञान लिया गया था बताइए ना मुझे आप। आपने अपनी बात रखी थी, मैंने अपनी बात बराबर रखी है और मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम इस बार चुनाव आयोग ऐसी दुराचारी घटनाओं को लेकर के संज्ञानित रहे और गंभीर रहे और कम से कम निष्पक्षता से इन चीजों का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करे अगर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा कारित की जाती हैं तो। अच्छा दूसरी बात, सभी दलों को विशेषता मैं सबको शुभकामनाएं जरूर प्रेषित करूंगा अंतोगत्वा क्योंकि चुनाव है, चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार लड़ना चाहिए, थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी भी चुनाव को। और जिस तरीके से इन्होंने ओबीसी पिछड़े वर्ग का अपमान करने का लगातार प्रयास किया था, ये ओबीसी और पिछड़ा वर्ग ही तय कर ले कि उन्हें भाजपा की नीतियां पसंद है या समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा में उनको लाने की योजना पसंद है। अच्छा भाई पूर्ववर्ती चुनाव में आज जो पिछड़े वर्ग की बात होती है गौरव भाई, इसका पूरा श्रेय तो मैं समाजवादी पार्टी को ही दूंगा क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 95-96 आपको याद होगा, आदरणीय पत्रकार भी हमारे सुनिया बैठे हैं वो ज्यादा बता पाएंगे, जब उन्होंने पहली बार इस योजना को लागू किया था तो पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम के आगे जी और सम्मानित माननीय महोदय लगने लगा। अच्छा तो वो सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है जिसको कि कोई झुटला नहीं सकता है और इसका श्रेय कोई पार्टी नहीं ले सकती है। चार बार सरकार रही, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई थी वो स्वीकार नहीं किया आपकी पार्टी ने? भाई देखिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को कभी भी हमने नहीं ठुकराया। अच्छा। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं सामाजिक न्याय समिति के बारे में, ये जग जाहिर है कि जितनी बार हमने लागू करने का प्रयास किया उतनी बार कोर्ट कौन गया? अच्छा। विपक्ष में कौन था? क्यों जाकर के कोर्ट में याचिका लंबित की? सरकार में जब लागू करते थे क्या वही बात मैंने क्या कहा, जब आप मामला कोर्ट में लेके जाएंगे तो फिर उसको जब मामला विचाराधीन न्यायालय में हो जाएगा तो कैसे आप समाजवादी पार्टी या भाजपा ही कैसे लागू कर देंगे? मैं आपसे सबसे बड़ी एक सवाल की बात पूछता हूँ, आज इन्होंने ट्रिपल टेस्ट की जो कवायद की थी, हाँ। अगर विपक्ष नहीं जाता कोर्ट में तो हाँ। ये तो चाह ही रहते कि पिछले वर्ग की जो जिस तरीके से उनको मिलनी चाहिए थी हाँ। आरक्षण की आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए था सीटों पे हाँ। वो तो ये देना नहीं चाहते थे। अच्छा। और ये तो नकार चुके थे वो। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होता, रातों रात कमेटी नहीं बनती, तो मुझे लगता है कि इनकी मंशा जग जाहिर थी। अच्छा। तो सवाल हम पे नहीं उठेंगे। अच्छा, सवाल नहीं उठेंगे। देखिए सुन लीजिए, केवल चिल्लाने से अगर बात सत्य हो जाती, भाजपा के लोग बड़े प्रवक्ता जो है शालीनता से और कहीं कहीं उद्दंडता से चिल्ला चिल्ला करके बातों को रखते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जो कृत्य है आपके हैं वो जग जाहिर है, बुद्धिजीवी समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम हमारी डिग्रियां तो ओरिजिनल है और अब इनका हम मैं इन पे सवाल नहीं उठा रहा, हमारी डिग्री ओरिजिनल है, कौन से तो हमारी परिपक्वता भी ओरिजिनल है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता विवेक भाई, कौन से लोग वोट आपको नहीं देते हैं जो भी लोग हैं?
देखिए वोट का जहां तक बात है गौरव भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज बता दूंगा। आप अगर ये कहते हैं कि प्रचंड अहंकार भाजपा का मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, अगर इनका बहुमत बड़ा है तो इनसे ज्यादा बहुमत हमारा बड़ा है। पिछले साल पिछले चुनाव से वोट प्रतिशत हमारे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात, 12 में सरकारी 47 सीटों पे आ गए थे। सुन लीजिए सर, वो भी याद कर लिया करिए ना। सुन लीजिए, चुनाव जीतना केवल कोई पैरामीटर नहीं होता है। अच्छा। पैरामीटर मुख्य होता है विपक्ष में रह करके मुद्दों को जिंदा रखना। कितना उठाए मुद्दे आप वो बता लीजिए। हम तो हमारा बराबर उठाते हैं, तभी तो समाजवादी पार्टी कितनी बार सड़क उतरी। अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष के मुद्दों के साथ विपक्ष में नहीं खड़ी होती मजबूती से, तो भाजपा को समस्या की थी समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस की बात नहीं करते, हमारी भी नहीं करते। जिस तरह कांग्रेस को नकार देते हैं उस तरह हमको भी नकार देते हैं। अच्छा। कांग्रेस का नाम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, तो उस तरह हमको भी नहीं, हमारा भी नाम नहीं लेते। आप भी तो कांग्रेस लेकिन कहीं ना कहीं, अरे तो आप भी तो कांग्रेस का नाम नहीं लेते क्योंकि कांग्रेस हमारे उसमें नहीं है ना। कांग्रेस हमारे कहीं लिस्ट में नहीं है। गठबंधन कर चुके गठबंधन तो इन्होंने भी आतंकवादी गठबंधन तो भाजपा ने आतंकवादियों को पोषित करने वाली पीडीपी के साथ किया था। मैं तो एक सवाल उठाऊंगा, हाँ। भाजपा सब कुछ ढूंढ लाती है, हाँ। लेकिन पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया आज तक ये नहीं बता पाई। अच्छा, कहां से आया बताइए ना। आपके पास साधन है, संसाधन है, इंटेलिजेंस आपके पास, खुफिया तकनीकें हैं, हाँ। पुलवामा वाले मामले में आप क्यों पौन हो जाते हैं भाई। अच्छा। पुलवामा के आरडीएक्स कहां से आया तक क्यों नहीं बता पाए। पहली बार इस देश में, सुन लीजिए, पहली बार इस देश की धरती पे पाकिस्तानी डेलीगेशन को किसने बुलाया था जांच करने के लिए, गौरव भाई बताइए ना मुझे। उरी, बालाकोट, आपसे एक से एक एयर स्ट्राइक, जो उरी का जो हमला हुआ, चाहे बालाकोट का जो हुआ, एक से एक आतंकवादी। नहीं नहीं सुन लीजिए, बात आ जाने दीजिए ना, क्यों चलिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस देश में पहली बार आतंकवादियों को पोषित करने वाली पीडीपी के साथ कौन गया। इस देश में पहली बार निकाय चुनाव में जम्मू के आतंकवादी को टिकट किसने दिया, पूर्व आतंकवादी को, सैफुल्ला को, ये बताए ना मुझे जिम्मेदारी से। आतंकवादियों के कनेक्शन किसके हैं भाई, जवाब दे। हम तो, आप तो हमको आरोपित करते हैं, हम तो साबित कर रहे हैं। आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, पार्टी है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जो पार्टी पार्टी में बैठे हुए हैं। तब इस कौन जाएगा, मैं जाऊंगा क्या। एक बात और आ जाए, सुना लीजिए, एक बात और सुना लीजिए। हां, आतंकवादियों को पोषित करने वाले दाऊद इब्राहिम के नजदीकी इकबाल मिर्ची से चंदा 10 करोड़ का किसने लिया था, बताइए मुझे। ये तो जग जाहिर है, सोशल मीडिया में, सोशल डोमेन में है, डीएलएफ की जांच में। सुन लीजिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस का जो घोटाला हुआ था, उसमें उसके करीबी जो प्रमोटर्स थे, उसमें इकबाल मिर्ची जो दाऊद का करीबी था, उससे किसने घोटाले में किसने चंदा लिया था, किस पार्टी ने, कौन सी राजनीतिक दल थी वो। तो आतंकवादियों से चंदा भी लेते हैं, आतंकवादियों को पोषित करने वालों से। अच्छा। उनके साथ साठगांठ भी करते हैं, निकाय चुनाव में पूर्व आतंकवादियों को टिकट भी देते हैं। अच्छा। और उसके बाद दिखाते हैं कि राष्ट्र प्रेमी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, तिरंगे को ओढ़ करके लूटने वाली भाजपा, अच्छा। अडानी जैसे इनके भगवा मित्र। और सबसे बड़ी बात, पोषक किसको कर रहे हैं, पोषते किसको है, विपक्ष को। भाई अपने चाल चरित्र को देख लीजिए, जिसने 40 साल तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान की बात करता है, या आश्चर्यजनक होता है। भाई अपनी डिग्रियां चेक करो भैया, हमारी डिग्रियां और ठीक है। अरे महमूद प्रवक्ता रालोर, अरे भाई जी, तैयारी पूरी है, कुछ घटनाक्रम रहा पर चुनाव हैंडपम पे ही लड़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। पर यहाँ पर जिस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है और मेहनत आपके द्वारा भी लगातार चल रही है, चुनाव महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं और किस रणनीति के हिसाब से, क्योंकि समय बड़ा कम है, रणनीति ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, तभी निर्णय पक्ष में आएगा, कैसे देखते हैं। देखिए गौरव भाई, हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं जी, अभी हम लोगों की सीटों का बंटवारा होने वाला है। अच्छा। एक आध दिन के अंदर हो जाएगा। चलिए, और हम लोग गठबंधन में तो हैं, मगर हम लोग ये मान करके नहीं चलते कि रालोद कहाँ से लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कहाँ से लड़ेगी, इस पर हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं, और नगर निकाय की अगर किसी की तैयारी है तो ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की के ही है, और भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी नहीं है। आपने निकाय चुनाव पर आपने डिबेट बुलाई है, मैं निकाय चुनाव पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 6 साल उत्तर प्रदेश की इनकी सरकार है, 6 साल में आप ये बता दीजिए, लखनऊ एक जिला ऐसा है जहाँ पे जल संस्थान से जो ये पानी आता है पाइपलाइन में, ये 6 साल में यहाँ की जनता को, पब्लिक को ये साफ पानी पीने के लिए नहीं दे सके। हाँ। आप बताइए, जो पाइपलाइन से पानी आता है, आज से 30-40 साल पहले हम लोग वही पानी पिया करते थे, आज आप बताइए ये कहाँ, ये अगर जल संस्थान में या जल निगम में अगर ये बजट लेकर के आते हैं तो ये पैसा कहाँ जाता है, ये पानी तक नहीं दे पा रहे हैं, इनकी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है इस वक्त जो विपक्ष से लड़ सके। आप मेघालय में उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष से लड़ पाई। विपक्ष वहां पे 58 सीट पर आई, आप सिर्फ 2 सीट पर वहां पर जीते हैं, 58 सीट पर आप हारे हैं। आप कर्नाटक में अभी आप अपनी हैसियत उठा करके देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में तो जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर इस बुरी तरीके से इनको हम लोग हराएंगे। अच्छा। कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, ये देखते बनेंगे। हाँ। इन्होंने सिर्फ एक रणनीति तैयार की है। हाँ। एन केन प्रकरणों से हमको चुनाव जीतना है। अच्छा। आप लेकर के आए कि राष्ट्रीय लोक दल का
मानक से इनका वो खत्म हो गया, खत्म हो हाँ मान्यता खत्म हो गई, अब ये दल नहीं रहे। चलिए मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर एक सवाल मैं आज फिर उठा रहा हूँ, ये चुनाव को एक साल हो गए थे, ये एक साल के अंदर क्या ये मानक नहीं जान पाए थे कि राष्ट्रीय लोक दल जो है मानक के अनुरूप नहीं है, इसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए जी। आप बताइए ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना कर रहे हैं जब इन्होंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल और ये कौन सी वो उनकी रावण जी की पार्टी, अच्छा ये तीनों मिल करके उत्तर हाँ भीम आर्मी वाले, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाँ चंद्रशेखर आजाद जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम मिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का आप समझिए कि हम सुपड़ा हम लोग साफ करने जा रहे हैं, कोई एक चेहरा इनके पास नहीं है। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी अब की 2024 में ये चेहरा रहेंगे, जनता इनको नकार चुकी है, ये विपक्ष के सामने ये कौन सा चेहरा है मोदी जी का, मोदी जी से जनता सवाल पूछेगी कि आप 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे रहे थे। आप बताइए, झूठा चेहरा लेकर के सामने आएंगे जो विपक्ष से लड़ पाएंगे, आप 15 लाख रुपया जेब में डाल रहे थे, आप झूठा चेहरा लेकर के आएंगे जो विपक्ष से आप लड़ पाएंगे, तो आपके पास कोई एक चेहरा नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, विकास के नाम पर सिर्फ झूठी गंगा ये बहा रहे हैं, झूठी गंगा विकास के नाम पर। आप धरातल पर कोई बताइए कहीं पर हो धरातल, आप एक चीज बता दीजिए कि इन्होंने ये विकास कर दिया। समाजवादी पार्टी हमारे गठबंधन में, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने जो जो अपने शासनकाल में बनाया आपने उसी का उद्घाटन कर दिया करके, अच्छा और आप अपना बिल्कुल जैसे आप मेघालय में 2 सीट जीत करके आप ये कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया, कल तक आप उसी पार्टी को आप भ्रष्टाचार कह रहे थे, अब आप देखिए येदुरप्पा को आप हटा करके कर्नाटक में फिर आप लेकर के आए हैं, तो ये कुचक्र इनका चलता रहेगा, ये सिर्फ इनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप सुपड़ा साहब करने जा रहे हैं? बिल्कुल साहब, निकाय चुनाव में आप देखिएगा, निकाय चुनाव से लेकर के जी क्लीन स्वीप करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे साहब। अब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल 18 के 18 17 17 हम सीटें हम जीत लेंगे, मगर ये है कि हम लोग बहुमत से जीतेंगे और अच्छी सीट हम लोग निकाल करके लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। बहुत बढ़िया बोलिए, आप सफर में मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, सुपड़ा सुपड़ा बोल रहे हैं बार मुस्कुरा, ठीक है ठीक है। प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता आप भाई राष्ट्रीय पार्टी बन गए आप, बधाई हो, संघर्ष रणनीति काम आई, दिल्ली में 3री बार सरकार, गुजरात में 13% वोट और पंजाब में ऐतिहासिक जीत, पर निकाय चुनाव में अभी आपका बिगुल जो बजा है वो अभी मेरे ख्याल से उसके लिए और तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार सीटें आपने निकाली है, पर विधानसभा चुनाव जिस तरह से आपका खाली गया है, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करती है कि जनता मुफ्त की राजनीति में आने वाली नहीं है। क्या व्यवस्था बनाई है, क्योंकि अगर जनता मुफ्त की राजनीति चाहती या मुफ्त की बिजली या पानी चाहती तो आपको वोट जरूर देती और आपको यहाँ पर कुछ सीटें दिखाकर स्पष्ट करती कि हमारी पार्टी को यहाँ लाभ मिलता नजर आ रहा है, जनता ने भरोसा दिखाया है, भाई वोट तो मिले हैं, पर जो मुफ्त की राजनीति एजेंडा आप लेके आए थे वो जनता ने नकार दिया। आप निकाय चुनाव है, यहाँ पर कौन सी नीति लेके आएंगे, क्योंकि मुफ्त की राजनीति करेंगे तो सर वही स्थिति हो सकती है, क्या एजेंडा रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी? उत्तर प्रदेश एक अलग व्यवस्था है, भावनाओं से भी, आबादी से भी और व्यवस्थाओं से भी। सैयद मोहम्मद तकी, क्या जवाब है आपका? जी गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आम आदमी पार्टी को बधाई दी राष्ट्रीय पार्टी बनने का, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बधाई दी है उसका, आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद कि आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने की बधाई दी। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई कि उनके 10 साल के अथक प्रयास के बाद आम आदमी पार्टी बहुत ही जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और 2 राज्यों में हमारी सरकार है और 2 राज्यों में हमारे अन्य राज्यों में हमारे एमएलए भी हैं और हम 4 राज्यों में हमारे प्रेजेंस है और ये 3री या 4थी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है जो बहुत ही कम अवधि हमने प्राप्त कर लिया। ये हमारे कार्यकर्ताओं को इसे उपाय सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नगर निगम चुनाव को लेके, और नगर निगम चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो 3 लेयर्स व्यवस्था बनाई है हमारे लोकतंत्र की, उसके अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके जरिए हम लोगों से जाते हैं, लोगों की परेशानियों को समझते हैं, दूर करते हैं जी। मैं बड़ा अच्छा शेर आपको सुना चाहता हूँ, जरा गौर सुनिएगा। चंद लम्हों की बारिश सरकारी दावों की पोल खोल देती है जी। चंद लम्हों की बारिश सरकारी दावों की पोल खोल देती है, कोई कुछ ना बोले पर उबलती नालियां सब बोल देती है। अच्छा, कोई कुछ ना बोले मगर उबलती नालियां सच बोल देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लखनऊ में मेयर कई सालों से रहे, जहां तक मुझे याद है 20-25 साल से लगातार लखनऊ में मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं।
कई वार्डों में सभासद 30-35 साल से लगातार बीजेपी के हैं। कालजी वार्ड के अंदर जो सभासद थे लखनऊ में, वो पिछले 35 साल से बीजेपी के हैं, वो स्वर्गवासी होकर अभी नहीं रहे, लेकिन आज भी 35 सालों के बाद केंद्र में सरकार रहने के बाद, राज्य में सरकार रहने के बाद, आज भी जब वहां बारिश होती है तो घरों में पानी भर जाता है। आज भी लखनऊ के कई जगहों में पानी, साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज भी लखनऊ के नगर निगम के सरकारी स्कूलों की छतें बारिश में टपकती हैं, स्लेब टूटी हैं, सरिया दिखाई देती हैं, उसमें बड़ा बड़े नाम लिखे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उनका उद्घाटन किया था, लालजी टंडन जी का नाम लिखा है। इन सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि जब बारिश होती है तो बच्चे कमरों में पढ़ने से डरते हैं कि छत उनके ऊपर न गिर जाए। यह हाल है लखनऊ के अंदर, जिस जो देश की राजधानी है। अच्छा, भाजपा तो बोले रणनीति क्या लेके जाएंगे नगर निगम? तो देखिए, हमारी रणनीति जो है वो जो जनता जुड़े हुए लोकल मुद्दे हमेशा वो रही है। अच्छा। हम बलती हुई नालियों की बात करेंगे, हम सीवर की बात करेंगे, हम खड़ंजे की बात करेंगे, हम सड़कों की बात करेंगे, हम डेंगू की बात करेंगे, चिकनगुनिया मलेरिया की बात करेंगे। अच्छा। हम हाउस टैक्स की बात करें, हाउस टैक्स को हाफ माफ करेंगे, पानी टैक्स, पानी वाटर टैक्स, नगर निगम के स्कूलों को, नगर निगम के स्कूलों को सही करेंगे, जनता के पैसे को बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपराधी मानसिकता से काम कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है, धमकी दे रही है, परेशान कर रही है। अच्छा। पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, उसको एक्सपोज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जगीरा स्टाइल में काम कर रही है जी। वो कहती है कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे। अच्छा। लेकिन हमारी ऐसी मक्कारी कहां लेके आओगे? अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी की मक्कारियों का जवाब देंगे और जनता के साथ खड़े होंगे। जो जनता को धोखा दिया लगातार। अच्छा। जनता से कहा कि हम टैक्स माफ कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, बिजली माफ कम कर देंगे, हम ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, खाते में 15 लाख आएंगे और महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। क्या कौन सा वादा बीजेपी ने पूरा किया जनता, बताइए मुझे आप जी। एक वादा जो बीजेपी ने पिछले जो 10 साल से लगातार, 9 साल से लगातार केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, कौन सा वादा पूरा किया? ये तो पिछले बार चुनाव में कहते 5 किलो देसी घी बहुत सस्ते में देंगे, कहां आज के आज तक 5 किलो देसी घी किसी को मिला? आपको मिला 5 किलो? अच्छा। देसी घी। अच्छा, ठीक है। आज भी बारिश होती है तो मुख्यमंत्री आवास के सामने पानी भर जाता है। चलिए, आज भी डेंगू मलेरिया, चलिए, हो गया हो गया, मुझे पता है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, ठीक है, हो गया हो गया, समय कम है, समय कम है, सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, दीजिएगा। ठीक है ठीक है, तकी भाई हो गया, तकी भाई बीजेपी सुन लिया, हो गया भाई, 2 मिनट सुनाइए। बीजेपी के अंदर हिम्मत नहीं थी सब मुद्दों पर चुनाव पे बात करने के लिए, इसलिए बीजेपी ने जानबूझ के चुनाव को डिले कराया है, लेट कराया है। आम आदमी पार्टी ने जो एमसीडी में चुनाव में जीता था उससे बीजेपी डर गई थी, वो भी चाहती थी फौरन के बाद चुनाव हो, वरना आम आदमी पार्टी जीती। जानबूझ के हो गया चुनाव। सुनील त्रिपाठी, अब सुनील त्रिपाठी गौरव जी, थोड़ा हमको समय दे दीजिए, इससे हम चारों लोगों के निष्कर्ष बोलते हैं। पहली बात तो हम तगी से कहना चाह रहे हैं कि शायद दिल्ली आप भूल गए हैं, जो कूड़े के ढेर से भरी हुई है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जमुना जी कितनी गंदी है, उनको कब साफ किया जाएगा? दोबारा हो रहा है, जमुना जी नहीं दिखाई पड़ती है इनको, इनको गोमती जी दिखाई पड़ती है, जमुना जी नहीं दिखती है, दिल्ली ढेर नहीं दिखते हैं, उसे भूल गए आप। तीसरी बात, साफ कर देंगे जमुना, साफ करने की जिम्मेदारी कर ले रहे। आप पहले अपने दामन झांक के देखिए कि दिल्ली में कितना ढेर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा महामारियां दिल्ली में ही आती है, चाहे कोरोना हो चाहे डेंगू हो, सबसे चपेट में दिल्ली रहती है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। और तीन तीन दो दो मंत्री आपके जेल में हैं भ्रष्टाचार में, वो भी आपको दिखाई नहीं देता है। आप राजनीतिक विश्लेषक? मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, जो कह रहा हूँ। बुरी क्यों लग रही है? सरकार बुरी क्यों लग रही है? कूड़े ढेर साफ हुए क्या? कूड़े के ढेर साफ हुए क्या? कूड़े के ढेर साफ हुए क्या? जेल में नहीं है क्या? सोनिया जी जेल में नहीं है क्या? बताइए, भाजपा प्रवक्ता कह रहा है, पत्रकार कह रहा है, आप बताइए इस बात को। सत्येंद्र जी जैन जेल में है कि नहीं है? सुसोदिया जी जेल में है कि नहीं? तकी जी फर्जी केस में जेल है। अच्छा। फर्जी केस में सीबीआई सीटी का गलत इस्तेमाल करके को जेल में डाल दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, नाराज हो गए। सुनील जी वो जेल में नहीं है, फेसी का केस है। अच्छा, जबरदस्ती नहीं, वो जेल में ही है। वो क्या तकी भाई घर में आराम कर रहे हैं क्या? आराम कर रहे हैं, बताइए। चले ठीक है ठीक है जी, थोड़ा सा हमको मौका दे दीजिए। खराब मत करिए, सुनील जी
चलिए प्रवक्ता बोले, हमको जो भी बोले मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो दावे के साथ चैनल राष्ट्रीय चैनल कह रहा हूँ, ये बता दें कि जेल में नहीं है या भ्रष्टाचार में नहीं है, जेल क्यों गए? अरे तुम महात्मा गांधी जी तुलना करोगे सविंदर जैन से और सिसोदिया जी से? अरे आपको शर्म माननी चाहिए, वो राष्ट्रपिता कहे गए हैं, उनकी तुलना आप इनसे करोगे, इन भ्रष्टाचारियों और चोरों से? इन तो सीबीआई और ईडी ढूंढ रही है। आप क्या बात करते हैं, कहां गांधी जी और कहां हम लोग, कहां ये? अरे उनको राष्ट्रपिता कहा गया, देश की आजादी में क्या योगदान रहा है? भारतवर्ष नहीं भूल सकता इस बात को कभी, गांधी जी के योगदान को। आज जैसे नेता भले ही उनके योगदान को कई दर्द कर रहे हो, लेकिन ये देश कभी गांधी जी को नहीं भूल सकता। गांधी का योगदान देखिए कि देश उनकी एक आवाज पे पूरा देश खड़ा होता था। आप लखनऊ चुनाव ले, उत्तर प्रदेश चुनाव ले, हार गए, तो गांधी जी तुलना मत कीजिए उनके। तकी जी मैं आ रहा हूँ विवेक जी के पास में। विवेक जी की चट भी मेरी, पट भी मेरी। विवेक भैया ने कहा अभी, छोटे भाई ने हमारे, कि चुनाव आयोग ध्यान नहीं देता है। जब चुनाव आयोग ध्यान देता है तो भी ध्यान नहीं देता है, और ध्यान देता तो भी ध्यान नहीं देता है। ये तो विवेक जी की पुरानी आदत बन गई है, आरोप लगाना। कहीं कहीं ईवीएम खराब है, अरे ये नहीं कहते हमारा काम खराब है। चीरहरण नहीं हुआ था, आप बताइए चीरहरण हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं नहीं, चीरहरण चीरहरण हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने सिर्फ चीरहरण की बात की, ईवीएम का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ईवीएम का मैंने नाम ही नहीं लिया, चीरहरण जनता का। आज की डिबेट में ईवीएम का मैंने नाम लिया नहीं है भाई। समाजवादी पार्टी में चीरहरण का नाम लिया था, निकलना मुश्किल था। विश्वविद्यालय के बगल से बेटियां उठाई गई हमारी, चीरहरण से इनको आपत्ति है। सामने सड़क पे भाजपा के चीरहरण से आपत्ति है। अरे मैं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर सपा के समय थी, भाजपा के समय क्या है बताइए ना मुझे। मरी हुई वृद्धा के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए जा रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी लोगों के कमीज कब्जा करके बैठे हैं, निकाय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी कलम की धार सूख गई बताइए। नहीं नहीं, जाही सूख गई भाई, सूखी नहीं। अब देखिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ चीरहरण पे नहीं बोल रहे हैं, बताइए चीरहरण हुआ था? क्या संज्ञान लिया था चुनाव आयोग ने? आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, जो सपा की कार्यकर्ताओं का चीरहरण महाभारत की तरह किया गया था सबके सामने, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की तरह क्यों बैठा था? बताइए बताइए मुझे, आप पत्रकार हैं, आप बताइए चीरहरण हुआ था कि नहीं? चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया था? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए विवेक जी। अपने भी दामन झांक के देखिए, मैं अपना दामन नहीं देखूंगा ना, मेरा दामन खराब था तभी तो जनता ने इनको चुना। आप इनकी बात कीजिए ना भाई, आप इनकी बात कीजिए ना। ये तो वही बात हो गई कि भाजपा की तरह 70 साल कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा। अरे आप सरकार की बात कीजिए ना, आप सरकार की बात कीजिए ना। वही पत्रकार है, आपकी पत्रकारिता कहाँ गई भाई? आपकी पत्रकारिता की नैतिकता कहाँ गई? आपकी पत्रकारिता के नियम कहाँ गए भाई? मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे जनता ने नकारा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन उसके बाद इनकी स्थिति बता दीजिए। इनकी स्थिति जो सरकार आते 112 बलात्कार कभी दिन हो रहे थे, एनसीआरपी का आंकड़ा है, योगी सरकार के आते 112 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे थे, उस पर नहीं बोलेंगे। ये कौन सी पत्रकारिता है? ये कौन सी पत्रकारिता है गौरव जी? ये कौन सी पत्रकारिता बताइए भाई? ये कौन सा मानक सेट हो रहा है? ये चले चले हो गया। नहीं नहीं, ये कौन सा मानक सेट हो रहा है? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, ये कौन सा मानक है? आपने इतनी देर में चीरहरण पे एक शब्द नहीं कहा। अच्छा, आपने कहा अपने दामन में देखो, हमारा दामन खराब हुआ तो जनता ने नकार दिया। मैं तो बोल रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, अन्य प्रवक्ताओं की तरह नहीं हूँ मैं, सच नहीं भागता मैं। लेकिन मैं क्या पूछा, क्या किया योगी सरकार ने? क्या योगी ने माफी मांगी? क्या योगी ने उसकी पश्चिम बंगाल राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेप लिए थे? बाकी मैं भी सवाल है गौरव जी, मेरा एक सवाल है गौरव जी, मैं आपसे ज्यादा की बात करने वाले चीरहरण करते हैं, मां भारत को आत्मसात करते हैं, गांधारी राष्ट्र की तरफ बैठ करके लोग मेरा एक सवाल त्रिपाठी जी, एक सवाल आप मेरा ले लीजिए, अभी विवाद खत्म होगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे अंदर कमी ढूंढ रहे हैं, आप दूसरों के अंदर कमी ढूंढ रहे हैं, सबको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पत्रकार है, आप दो कमी बता दीजिए, हम लोग चुप हैं। चलिए सबको छोड़ दीजिए, आप भाजपा की बता दीजिए। विवेक जी जो कहें, जैसे इन्होंने कहा कि छापा मारा जा रहा है, हाँ, कार्रवाई नहीं हो रही है, हाँ, इस बात से मैं इनके साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूँ कि भाजपा सरकार में देखिए जो चीज मेरी समझ, ये मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं भाई, कि अगर विवेक जी ये बात कह रहे हैं कि छापा मारा जा, कार्रवाई नहीं हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा गड़बड़ है, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल से कह रहा हूँ, इसमें विवेक जी के साथ में नहीं, मैं जनता प्रदेश की जनता के साथ खड़ा हूँ, कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में आप जाके देख लीजिए। छोड़ दीजिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से आप कहिए ना
पाठक जी से कि साहब स्वास्थ्य विभाग बहुत खराब है, आप सुधारिए नहीं अरे, तो अरे बैठे हैं आप कह दीजिए ना उनसे। पांच रुपए में हो गया विवेक जी, क्या बोलेंगे, बोलिए उस पे। जनता की बात कोई नहीं बोलेगा, पत्रकार तो बताया लोकतंत्र में खाली हमको बताने का मुझे अधिकार होता है। सफर भाई बोलेंगे, सफर ठीक है, जरूर भाई हो गया। भाजपा को दो दो प्रवक्ता चाहिए होते, चाहिए होता है। अरे मुझे पता, ठीक है, चलिए भाई आप हमको प्रवक्ता बना दिए, अच्छी बात है, लेकिन सब सुनना जी। सखी भाई ये बताइए, सच जो है तीनों पक्ष से कहना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बाइस होकर के बात करते हैं, आप बीजेपी का बखान करते हैं। सही कह रहा हूँ, आप कमी उनके अरे अरे कहा तो है भाई, उन्होंने स्वास्थ्य भाई खराब है, कैसा बखान भाई, हमको प्रवक्ता कह रहे हैं 23 चुनाव में सब रिजल्ट सामने आ जाएगा जी, कि मैं बटरिंग कर रहा हूँ, यह सच्चाई है। बटरिंग तो है ही है, चले ठीक है। आप इतने बड़े चैनल में बैठ कर क्या कहूँ कि आप सरकार बन जाएगी, भी बताइए आपकी माता तो चली गई भाई मेरे। अरे आप मान्यता छोड़ दीजिए, हम मान्यता जाने से दिल से नहीं निकलता। सुनिए, मान्यता जाने से कोई राजनीतिक दल किसी के दिल से नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है। विवेक जी, हाँ। आपकी सरकार में कई पत्रकारों की हत्या हुई, बताइए वर्तमान में, बताइए पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। नहीं, आप वर्तमान में कितने पत्रकारों के साथ, सवाल पूछने पे जेल, सवाल पूछने पे जेल, सवाल पूछने पे जेल, उनकी सवाल पूछने पे हत्या हुई। और यही स्थिति है, यही स्थिति है कि आपके सुर बदले हुए हैं, हथकड़ी से डरते हैं, भाजपा की एक नेता हो गया को सवाल पूछने पे विवेक पांडे जी बोलिए लगवाई की नहीं, पांडे जी बोलिए लगवाई की नहीं, मुझे पता है लगवाई की नहीं लगवाई, मुझे पता है क्या किया, पता है उसके पत्रकार के साथ। अरे पता है ना, बताइए ना, आपने कितनी आवाज उठाई, आपने कितनी आवाज उठाई, आपने कितनी आवाज उठाई, हो गया मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके वरिष्ठ नेता ने पत्रकार से पूछा तू कैसे आ गया यहाँ, और मुख्यमंत्री आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पूछे जो सीनियर पत्रकार बैठे हो तू कैसे, तुझे कौन बुलाया गया, पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन करता है पूछा ना, सुनिए अपने आरोप का जवाब, अपने आरोप का जवाब ले लीजिए। उन्होंने जो पूछा भाजपा की नेता ने तो हथकड़ी लगवा दी, उस पे भी बोल दीजिए, उस पे भी बोल दीजिए, ठीक है हो गया। सुनील भाई, सुनील भाई विवेक पांडे हो गया, सबसे काला अध्याय सदन में पत्रकारों को पिटवाने वाला मार्शलों से किसने लिखा, बोलिए ना, आपकी हिम्मत है योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाइए, ठीक है उठाइए सवाल, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे पता है कौन सरकार को की है, किसी सरकार में पत्रकार को जिंदा भी जलाया गया था, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, मुझे कोई ना पता है किसने पत्रकार का कितना किया है, जिंदा जलाया था और डाइंग एविडेंस दिया गया था उस पत्रकार के द्वारा, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती, मुझे कोई पत्रकार था ना समझाए ना हमें बताए। सवाल भाई अपने जवाब दीजिए, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे जानकारी है, मुझे ना बताए आप जानकारी, अगर भाजपा सरकार में हटकड़ी पहना रहा है सवाल पूछने पर, तो सपा सरकार में भी जिंदा जलाया गया था, नहीं सब, इस हमाम में सब ऐसे ही है, सुनिए हमाम में सब नहीं है, ज्यादती भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में जवाब लेता हूं, पार्टी में ज्यादती है, बहुत पत्रकारों को मारा गया, इनको जेल भेजा गया, महात्मा गांधी अरे सीधे मुख्यमंत्री ने दिया था, सपा सर सपा जवाब दीजिए, सपा सर सबका जवाब दीजिए आप। गौरव भाई बोलिए, मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा, बोलिए यार दो मिनट बोलिए। जिस तरह से पत्रकारों की बात हो रही है, पत्रकार निष्पक्ष होता है और वो वही दिखाता है जो जनता के हित की बात होती है। अच्छा। और मैं आपके चैनल पर देख रहा हूँ कि किस तरह से कि गुंडागर्दी के साथ एक पत्रकार की आवाज को दबाने का भाजपा पार्टी के नोटिस भेज दिया है क्योंकि उसने खनन माफियाओं की खबर चला दी थी। क्या बात करेंगे बैठ करके, क्या बात करेंगे बैठ करके, ये क्या बात करेंगे, पत्रकारों की बात करते हैं शर्मा जी, अगर तो उस दिन मंत्री से पूछते जिसने पत्रकार को सवाल पूछने पे हथकड़ी लगवा दी थी, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, रिपोर्ट के बाद मत करो, रिपोर्ट के बाद मत करो, राम के रूप में देखते हैं, उसके स्तर को गिराने का काम किया, राम के नाम पे चंदे वसूल के
प्रचार करते हैं संतों का आरोप है, राम के नाम पे जमीन में घोटाले, राम के नाम पे भ्रष्टाचार, राम के नाम पे केवल चुनावी वोट। अरे वाह, ये बताएंगे राम का महत्व। ऐसे राहु केतु की वजह से ही आज सनातन कलंकित है। ऐसे राहु केतु जो की सनातन कलंकित कर रहे हैं, राम का नाम लेते हैं और उसके पीछे लाभ ढूंढते हैं। ये राहु केतु है भाजपा के, देख लीजिए चेहरा देख लीजिए इस रिपोर्ट के। अरे शर्म करके तुम करो, अपनी सरकार को शर्म कराओ, जाओ अपनी सरकार को शर्म कराओ, अपनी सरकार को शर्म कराओ। तुम्हारे मेयर ने जाके जमीन खरीदी थी, तुम्हारे विधायकों के नाम आए थे अयोध्या में भ्रष्टाचार में बात करेंगे बैठ के, नगर सेवकों को मरवा कर बोलिए। बारी बारी बोले भाई, ये होगा तो देंगे ना भाई प्लीज। ये क्या जवाब, बारी 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 ये क्या जवाब देंगे ढोल परोसने वाले, झूठ परोसने वाले। अरे अडानी पे बोलो, अडानी पे बोलो, क्या रिश्ता अडानी से भाई, अडानी से क्या रिश्ता है, अडानी की सेल कंपनियों से क्या रिश्ता है। आप ये बता दिए, चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छी सरकार है। कमाल भाई, कमाल भाई, अरे भाई को पूछ रहा है आपसे, कमाल हुसैन कमाल, हो गया हो गया, अरे पूछ रहे हैं अरे आप मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए, मान लो एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। राम की बात कर भाई, आपने बारे बारे बोली बेबे पांडे भाई, बेबे पांडे डिबेट खराब कर, मैं डिबेट खराब कर प्लीज, बेशर्म सरकार डिबेट डिबेट खराब कर, बारे बारे बोलिए। सफाद भाई मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। हाँ सवाल पूछ लिया, सब आप जवाब दीजिए, वो बेपक्ष है। मैं जवाब दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। पहले पहले उन्होंने कहा विवेक जी ने भगवान राम पर अवध टिप्पणी की जी, अरे उन्होंने कहा चलने का, साबित करो, साबित करो शाहबुद हुसैन, साबित करो, साबित करो, साबित करो टिप्पणी पहले साबित करो। चंदा चोर, चंदा चोर, जमीन के घोटालों में चोरी, जमीन के घोटाले में चोरी करने वाले ये बताएंगे टिप्पणी। अरे जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, जाके अपना चेहरा आईने में देखो, जाके अपना चेहरा आईने में देखो, आप चिल्ला के बोलेंगे ठीक है। सवार हुसैन मैं विवेक पांडे की बात दोबारा ले लेता हूँ, विवेक भाई क्या बोला था आपने बता दीजिए इनको, आप दोबारा इनसे पूछ लीजिए, राम के नाम पे इनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया जी, क्या इनके लोगों ने जमीन घोटाले किए कि नहीं किए जी, क्या इनके लोगों ने वहाँ पे चंदे जो जमा किए गए थे उसमें संतों का आरोप लगा कि नहीं लगा कि उसमें घोटाला कर रहे हैं, बताइए बताइए भाई क्या क्या टिप्पणी बताइए, टिप्पणी बताइए, टिप्पणी बताइए, माफी मांगनी पड़ेगी, टिप्पणी बताओ, टिप्पणी पूछे करो भाई, करो भाई टिप्पणी पूछो क्या आप डिबेट रिपीट कर लीजिए। इन्होंने कहा क्या भगवान उत्तर प्रदेश भगवान राम के भरोसे चलेगा, ये बताइए कि भगवान अगर उत्तर प्रदेश भगवान राम के भरोसे नहीं चलेगा तो क्या मुख्तार और अतीक के भरोसे उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा। शाहबाद हुसैन अपनी हद में रहना और मुझे सनातन सिखाने की कोशिश न करना, समझे उत्तर प्रदेश समझे। हनुमान जी के लिए तुमने क्या टिप्पणी की थी बोलो, अभी डिबेट में दिखा दूं, और यही मंच था वो, यही डिबेट थी वो, मेरे सामने बहुत संभल के, मेरे सामने बहुत संभल के तर्कों के साथ आना, तर्कों के साथ, तर्कों के साथ, तर्कों के साथ चलाना अपना जलील एजेंडा, मेरे सामने अपना जलालत मेरा एजेंडा मेरे सामने नहीं चलाने की कोशिश करिएगा। कमाल भाई हो गया, कमाल भाई जाओ, आपने पूरी डिबेट कर लिया, डिबेट बंद कर दूंगा अगर आप लगातार बोलेंगे। अरे भाई सवाल लीजिए, बोलिए शबाद भाई मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ ये डिबेट बह गई थी, मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये नगर निकाय चुनाव में कल से परसों से आप ऐसी व्यवस्था कुछ कर पाएंगे जो इस उत्तर प्रदेश की जनता को नल का स्वच्छ पानी आप दे देंगे, आप बताइए। सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका, आपको जी आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम बता दें जी आरिफ भाई आपको मैं बता दूं कि आप लखनऊ में आइए टहलिए और देखिए किस तरह से
जो है इसका लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, कटी हुई है, आकर के लखनऊ टहलिए। अरे मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, 10 बार हम आपको ले चल करके घुमा देंगे। अगर आपके दिए हुए पानी को कल से लखनऊ की जनता पी ले तो ये भयावह महामारी फैल जाएगी। आप उत्तर प्रदेश की जनता को पानी के माध्यम से आप मारना चाह रहे हैं, आप नाली का पानी उनको पिलाना चाह रहे हैं, आप नगर निगम चुनाव में कर रहे हैं, आप नगर निगम चुनाव में नगर निगम दिखाएगी, खड़ंजा तक नहीं है नालियों में, नाली चौक है, नाले सारे चौक है, आपको चलो ठीक है। अच्छा सपन भाई ठीक है, हो गया सपन भाई। अरे भाई बोल रहे थे कि आपका क्लीनशिप है इस बार, सपा और उनका गठबंधन मिलके आरएलडी मिलके इस बार आपका सुपड़ा साफ करेगी। देखिए तो 22 में भी साफ कर रहे थे, पश्चिम में इनका ही सुपड़ा साफ हो गया, इनसे पूछिए कई सीटें निकल के आई आरएलडी की पश्चिम में। अरे हम फिर भी विपक्ष में आए हैं, आप बता दीजिए 22 में कई सीटें आया, फिर भी विपक्ष में आए हैं, ऐसे बता दीजिए ऐसे आप जीतते हो ये सारा पूरा देश जानता है, गुजरात आपका नंबर पर आपका देश जानता है, सारी चीजें आप बेईमानी आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा देश आपको जानता है। आप ये ना बताइए कि आप बिल्कुल सीटों पर पहले पे चले जाते हैं, ईमानदारी का तंगा लेकर के जवाब भाई साहब सीटों पर आपके बोल रहे हैं आप लोग कैसे तरह जीतते हैं मुझे महाराष्ट्र उदाहरण भाई, महाराष्ट्र साहब कितनी सीटें, मेघालय ने बता दिए कितनी सीटें हैं आप, अरे आप नगर निगम के चुनाव की बात करिए कितनी सीटें मेघालय में पहुंचे जा रहे हैं, मेघानी सारे आप मोहल्ला दीवाना बन गए, अरे आप जिला से भी पार्टी नहीं, आप कहां मेघालय की बात कर रहे हैं, अरे सर पहले जिला की पार्टी बन जाओ, गजब गजब पहले जिला स्तर की पार्टी बन जाओ, आपसे बड़ा कोई पहले अपने जिले में मौजूद काम कर लो उसके बाद देश की बात करना। क्या बोल रहे हैं, कहां मेघालय की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितने मेयर आ रहे हैं, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई सवाल में क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जिला स्तर की पार्टी है, पहले ये बताएं कि कितने मेयर, अरे जिला स्तर की पार्टी है, जिला स्तर की पार्टी है, मेघालय की बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर रहे हैं, पहले नगर निगम की बात कर ले, रो रहे थे पहले नगर निगम में बताइए कितने मेयर रहे हैं, घमंड, अरे आप कितने मेयर बन रहे हैं बताइए, आपकी बात ऐसा चले ठीक है, ठीक है ठीक है, आप निश्चिंत होकर बैठिए, जनता आपका सुपड़ा साफ करेगी, जितने गठबंधन करोगे सुपड़ा साफ करेगी, चले ठीक है, वही नाली का पानी आपके घर तक, ठीक है सर, मोहम्मद तक ही बोलेंगे, ठीक है 4 तारीख 11 अरे आप पानी पी लीजिए भाई, बड़ी गर्म हो गई, ठीक है हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया 4 तारीख 11 सवाल भाई, अरे भाई सुपड़ा साफ होगा, आप लोग रिलैक्स कर लीजिए, बड़ा गर्म 4 तारीख 11 जी भाई जी, हुसैन लिखते हैं, अरे आपका राष्ट्रीय जिला कौन है, जिन्ना का वंशज कौन है, हुसैन ये लगाते हैं, जिन्ना का वंशज कौन है बताइए, ठीक है ठीक है, मुगलों के रिश्तेदार कौन है बताओ जी, गौरव भाई आम आदमी पार्टी चुनाव के मुगलों के रिश्तेदार कौन है बताओ, अरे अरे आप इतने गड्ढे साफ़ सही नहीं हो पा रही है, फीवर की बात नहीं हो पा रही है, भत्ता ज्यादा लगातार, अभी आप देखा पेपर में लिखा हुआ था कैसे दुगना टैक्स दे दिया है, अरे भाई हो गया, कैसे घोटाला किया गया, कैसे पैसा लूटा जा रहा है हाउस टैक्स के नाम पे, आप पेपर में लिखा है तो आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स माफ करेगी, पानी के टैक्स माफ करेगी, सड़कों के निर्माण की बात करेगी, गलियों के निर्माण की बात करेगी, गलियों को चौड़ा करेगी, हम चाहते हैं कि हर घर तक एम्बुलेंस जरूर पहुंचे, हम काम करेंगे सड़कों को चौड़ा करेंगे, महिलाओं के लिए बाजारों में अच्छे शौचालय दिखाएंगे, 300-400 उस पर लाइट नहीं है पानी नहीं है उसकी व्यवस्था वो सही करेंगे, आम आदमी पार्टी हो गया। अरे यार आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है जी, अरे ठीक से पूछो, अरे भाई राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है आपका, अरे भैया संगठन के बारे में जानो, अरे बताओ राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है, अरे बाप मुझे बताओ, अरे राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है भैया, अरे आरएलडी का राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है, कमाल भाई संगठन के बारे में, आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है, कमाल भाई पढ़ करके आया करिए, देख करके आया करिए, अरे राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है आरएलडी का, अरे राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष आप ही हो, अरे बता दो भैया कौन है, आरएलडी के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष आप हो, और नड्डा अरे अरे ठीक है हो गया, पार्टी
सवाल भाई डॉक्टर मसूद का हो गया, सवाल भाई हो गया, सवाल भाई हो गया, सवाल भाई हो गया, हो गया, हो गया। सही मोहम्मद तकी बोले, सही मोहम्मद तकी बोलिए भाई। गौरव भाई आज की जनता बहुत परेशान है उत्तर लखनऊ की, उसके घर से कूड़ा रोज कूड़े उठाने वाला नहीं आता है, वो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कूड़ों की बड़ी समस्या है। इस कूड़े के मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाएगी और जो सड़कें खराब है, गड्ढे हैं, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, नगर निगम के अंदर है जहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, आजकल लोगों छोड़ ले जाती है, कोई ना बोलेगा। आज पेपर में निकला हुआ कैसे हाउस टैक्स खराब इतना लूटा गया, दुगना जो हाउस टैक्स वसूल किया गया है और सरकार को उसमें चूना भी लगाया गया। उस हाउस टैक्स को जनता के हाफ करेगी, वाटर टैक्स को माफ करेगी और जितने भी स्कूल आते हैं नगर निगम उसको सही करेगी, अस्पतालों को सही करेगी, सही से इलाज कराएगी और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी। ठीक है, पता है दिल्ली मॉडल आएगा, फ्री में इलाज करेगी, दिल्ली मॉडल आएगा, पता है मुझे, पता है। सारे जनता जुड़े काम करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे जी, और भगवान का नाम भी लेंगे, देश में योगी मॉडल चलेगा, भगवान राजी भाई देश में योगी मॉडल, सारे काम करेंगे नगर निगम चुनाव में। चल ठीक है, सवाल भाई कुछ बोल रहे थे आप, बिल्कुल नहीं आने देंगे। सवाल भाई दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे, आपने आर एफ भाई को राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष का नाम क्यों पूछा? ये राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष हमने कहा आर एफ भाई जो है बहुत ही हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने 22 में गठबंधन किया जी और पश्चिम जो अपना गढ़ ये मानते हैं जीरो तो हमने किया है, जीरो राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष जीरो है जी। नहीं अब आप बताइए, अब इनकी पार्टी जिला लेवल की पार्टी है, मेघालय की पूछ रहे की आप बताओ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जिला पार्टी राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष कौन है आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी में सवाल भाई है राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष, आपकी पार्टी में राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष कौन है? अरे डॉक्टर डॉक्टर मसूद को क्या भगा दिया? डॉक्टर मसूद को क्या भगा दिया जी? राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर मसूद को भगा दिया जी? राष्ट्रीय जिला अरे भाई डॉक्टर मसूद को क्या भगा दिया? सवाल साहब है, अच्छा सवाल साहब, अरे नाम बताइए डॉक्टर, आपका राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष कौन है, नाम बताइए? राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष मैंने बता दिया सपात भाई, आप भाषण ठीक है, ठीक है, सर ठीक है, सुनील त्रिपाठी, अच्छा कितने मेयर लड़ाएंगे? हो गया हो गया हो गया हो गया सपात भाई, हो गया, अरे संगठन में, अरे भाई, अरे भाई हो गया, ठीक है भाई, अरे भाई हो गया हो गया। सुनील भाई आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट, नाराज हो रहे थे जी, मैं इनको धन्यवाद दे दूंगा, इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई है, अच्छा थोड़ा इनका बीपी नॉर्मल हो जाए। मैं सिर्फ आपके चैनल से दो शब्द कहना चाह रहा हूँ, सूरज को डराने जुगनू निकल पड़े, सूरज खड़ा वहीं रहा खुद जल के गिर पड़े। अच्छा किसके लिए ये सूरज जुगनू को बता दीजिए, अब ये आप जाने फिर कहूंगा, अच्छा, तो ये चार है, मैं अकेला हूँ, हर जगह पत्रकार घेरे जाते हैं, प्रशासन पास पुलिस भी होती है, गुंडे भी होते हैं और मीडिया अकेली पड़ जाती है। ठीक है, चल ठीक है, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा थी मैरपुर के निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है, 4 मई को 11 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को परिणाम आएगा, स्पष्ट कर देगा कि शहर में सरकार किसकी बनेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर जनता के बीच काम कौन करेगा, सत्ता पे आसीन भाजपा, विपक्ष में सपा, RLD या आम आदमी पार्टी, सबके अपने एजेंडे रहेंगे। चूंकि गली मोहल्ले नगर पंचायत का चुनाव है और यहाँ पर वही जीतता है जिसकी पकड़ मजबूत होती है और जो जनता के बीच जाता है, जनता के बीच जाने वाले पे यहाँ कौन जीत हासिल करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ कूड़े के ढेर होंगे, जहाँ पर नदियाँ साफ नहीं होंगी, वो जनता के बीच क्या बेहतर संदेश लेकर जाएंगे। जनता के बीच बेहतर संदेश लेकर वही जा सकता है जिसने काम किया हो। अब काम किसने किया है ये फिलहाल आने वाले समय में यानी 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा। जनता किसको जनाधार देगी वो भी स्पष्ट हो जाएगा और ये सेमीफाइनल यानी 24 से पहले का उत्तर प्रदेश में कौन जीत कर आएगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात स्पष्ट तब भी होनी बाकी रहेगी कि जनता के लिए काम आखिर कौन करेगा, कि जनता जनार्दन वोट तो देती है पर काम शायद तब भी नहीं होता है। चर्चाएं होती है, संघर्ष होता है, पर जनता की बात नहीं होती है। राजनीति होती है, चुनाव होते हैं, प्रचार होता है, पर जनता की बात नहीं होती है। उम्मीद करूंगा कि शायद इस बार चुनाव के बाद परंपरा बदले, व्यवस्था बदले और शायद हर बार जनता की बात होने लगे, तभी बेहतर संदेश भी जाएगा और तभी एक आदर्श नगर व्यवस्था की आप निर्माण भी कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।